तो वही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि निर्भया मामले में दोषियों की फांसी में टालमटोल दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। न्याय में देरी के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले 2.5 सालों में दया याचिका दायर करने के लिए दोषियों को दिल्ली सरकार ने नोटिस क्यों नहीं दिया। तो वही जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में उनके अपील को खारिज किया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के रवैये से उन्हें सजा नहीं मिली। अगर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 1 हफ्ते के भीतर सभी दोषियों को नोटिस दिया होता तो उन्हें अब तक फांसी दे दी जाती और देश को और देश की बेटी को न्याय मिल गया होता। कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह बिल्कुल कोई भी व्यवस्था कानून संभालने वाली सरकार के लिए इस तरह का स्पष्टीकरण बहुत ही गलत था, लेकिन वो उन्होंने दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज जस्टिस धिंगरा ने सरकार के इसी दृष्टिकोण के और अनेक उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण ऐसा है कि सुल्तानपुर में 500 घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा, और 500 घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, पूरी लूट मची, और इस सब घटनाओं का 500 घटनाओं का एक ही एफआईआर किया। हर गुनाह का सेपरेट एफआईआर होता है, लेकिन 500 गुनाह कत्लेआम और नरसंहार की एक ही एफआईआर हुई और एक एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाया आयो। कैन यू इमेजिन, कभी कोई कल्पना कर सकता है कि 500 इंसिडेंसेस का एक ही एफआईआर?